अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने ही एक फ़ोन का रिव्यू, जो कि मैं 5 महीने से यूज़ करूँगा और आपको आज मैं बताऊँगा कि मुझे 5 महीने के बाद कैसा लगा। तो ये फ़ोन है रेडमी का 4X। तो इस फोन के हम छोटी छोटी मोटी मोटी हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 41,000 mAh की बैटरी मिलती है, 5 इंच का IPS डिस्प्ले मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, मेटल बैक पे है और फ्रंट पे ग्लास बॉडी है, 13 MP का रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन 435 का हमें यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, एक बजट फ़ोन है। 19,000 रुपये में मैंने ये परचेज़ किया था ये अपनी लोकल मार्केट से। तो अब फ़ोन की बात कर लीजिए, जैसे फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करता है, लेकिन जब से ये नोगेट की अपडेट आई है ये फ़ोन की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है। और नोगेट के साथ साथ मुझे काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल गए हैं जो नोगेट के अंदर है, जैसे कि जल्दी से अपने रिसेंट ऐप में जाना, स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना, ड्यूल ऐप यूज़ करना। तो मुझे काफ़ी अच्छा और फ़ायदा हुआ है जब से इसके अंदर नोगेट की अपडेट आई है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में किया जाए तो MIUI 9 जब से इस फ़ोन में आया है तो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया है Xiaomi ने। तो बात कर लीजिए अब इसकी फ़ोन की, तो ये फ़ोन मुझे बहुत बहुत पसंद आया है क्योंकि मैं इस फ़ोन के साथ 5 महीने से हूँ और आपको मैं ये डेफिनेटली एक बात कह सकता हूँ कि 20,000 रुपये में आपको एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो कोई भी और ब्रांड आपको नहीं दे रही है। एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है आपको जिसके अंदर 3 GB की रैम मिलती है आपको और 32 GB की स्टोरेज मिलती है, क्योंकि स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। और मैं अपने लिहाज से बात करूँ तो मेरे लिए ये कम्प्लीट पैकेज था, एक अच्छा फ़ोन था जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। 5 महीने हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट भी इसका रियली बहुत ज़्यादा क्विक है, 0.3 सेकंड में मुझे एक अनलॉक कर देगा एक बजट फ़ोन जो कि जिसके अंदर सिर्फ 20,000 रुपये की है और उसका अच्छा इतना अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बात कर लीजिए स्टोरेज की, तो स्टोरेज में 32 GB की मुझे स्टोरेज यहाँ मिली है जिसमें से मेरा अभी भी 16 GB डाटा यहाँ पर पड़ा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी गैलरी में पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे पास 16 GB का यहाँ पे अभी भी डाटा मौजूद है। आपके लिहाज से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एक मैं यूजर बात करूँ तो 32 GB मोर देन इनफ मेमोरी होती है एक नॉर्मल यूज़र के लिए ताकि वो यूज़ कर सके अपना मोबाइल अच्छे तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे एक आम यूज़र होते हुए भी मेरे पास यहाँ पे 16 GB की अभी भी स्टोरेज पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये फ़ोन मुझे अब क्यों इतना पसंद है, क्यों इतना पसंद आया है, तो सबसे पहले बात ये क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे पहले ये Xiaomi रिलीज़ हुआ था जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। और जब मैंने इसे परचेज़ किया तो ये मेरा पहला फ़ोन भी है एक लिहाज से। तो जब मैंने अपना पहला फ़ोन लेना था तो मुझे बहुत सोच समझ के भी अपना पहला फ़ोन में इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो मैंने 20,000 रुपये में जब Xiaomi पहली बार पाकिस्तान में आया तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। मुझे पता था Xiaomi एक अच्छा ब्रांड मुझे प्रोवाइड करेगा और अच्छी मनी बैक यानी कि मुझे पैसों में अच्छी चीज़ देगा। तो अब मैं बात करूँगी इस फ़ोन में मैंने यूज़ करा था 5 महीने से, तो एक बार मैं इसको बगैर प्रोटेक्टर के यूज़ करा था तो मेरे से ये नीचे गिर गया स्क्रीन की तरफ, तो मुझे वहाँ पे एक क्रैक देखने को क्रैक पड़ गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद 2-3 बार और गिरा है और ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पे थोड़े और स्क्रैचेस पड़ गए थे, तो मैंने इसको बगैर प्रोटेक्टर के यूज़ किया था तो जिस वजह से ये हुआ है। अगर मैं प्रोटेक्टर के साथ यूज़ करता तो शायद ऐसा ना होता। तो अब बात कर लूँ इसके बैग की, तो बैग भी मैं 1-2 बार बगैर कवर के यूज़ कर रहा था और मेरे से 1-2 बार नीचे गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके स्क्रैचेस पड़े हैं, डेंट नहीं पड़े स्क्रैचेस पड़े हैं जो कि काफ़ी बुरे लगते हैं। इस वजह से मैं इसको अब कवर में ही यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रोटेक्टर अभी भी मैं इसके साथ नहीं लेता। अगर आपको एक प्रोटेक्टर बाय करना है रेडमी के लिए ही तो मैं कुछ रिकमेंड करूंगा कि आप फुल स्क्रीन प्रोटेक्टर बाय करें, वो आपके फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि अगर आप वो दूसरा सिंपल बाय करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो बात कर लीजिए इसकी चार्जिंग की, तो यहाँ पे चार्जिंग का भी इसका एक इशू है कि मुझे यहाँ पे इसको 5 घंटे लगते हैं इसको 0 से 100 चार्ज होने में। अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो फिर बैटरी मुझे पूरा 1 दिन निकाल कर देती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक आम यूज़र हैं तो 2 दिन निकाल देगा, अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो शायद 1 दिन निकाल देगा आपके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा कंप्लीट पैकेज है। उम्मीद करूंगा कि आपको जो मेरा ये ओपिनियन था पसंद आया होगा। अगर आपको ये ओपिनियन पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।